बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए ये अवार्ड, क्योंकि जो दादा साहेब फाल्के जो नेशनल अवार्ड्स हुए थे एकेडमी अवार्ड्स, वो पापा ने जीता था, और पापा ने जीतने के बाद आज मुझे ये मिल रहा है। तो अच्छा है कि पापा जाते वक्त मैंने उनको बोला था, पापा आपने जीता, मैं जीत रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, पहले मेरी मम्मी ने भी बोला कि पहले बाप ने जीता, बेटी जीत रही है। तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है। थैंक यू सो मच। मेरा लुक, मैं नेशनल, हमारे नेशनल आउटफिट में हूँ, साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, आई ऑलवेज लव, और बाकी मुझे नहीं पता मेरे लुक का। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट KGF 2 रिलीज़ हो जाएगी, आई थिंक 14 अप्रैल को। मेहनत की है हमने, आई होप आप लोग को पसंद आए। थैंक यू। ओके, हेलो हेलो, हाय हाय, आपको अंदर बताऊँ। हेलो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये एक अवार्ड शो है जिसमें काफ़ी हिस्ट्री है और बहुत ही प्रेस्टिजियस हस्ती के ऊपर है, तो वी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड प्रमोट सिनेमा एंड प्रमोट मूवी। जी जी, जी जी, बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत एक्साइटेड है हम एज ए टीम, हमारी पूरी शेरशाह टीम। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, और यहाँ पे जो हमारे पिक्चर को प्यार मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, हम उससे चाहते हैं कि यार जो जितनी लोगों ने मेहनत करी है, आई विश माई डायरेक्टर वॉज हियर, हमारा पूरा क्रू होता, बाकी सब लोग होते, बट मैं हूँ और थोड़े और लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उनकी मेहनत जो उन्होंने करी है, लोग उनको रियलाइज हो कि अच्छा काम किया और यहाँ पे लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। शेरशाह जो कहानी थी, इससे मैं बहुत सालों से इन्वॉल्व था, और अब जब ऐसा रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुश होते हो। तो आगे जाके गॉड विलिंग ऐसी और पिक्चरें करेंगे। कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि एक मजबूत कहानी के साथ एक अच्छा हीरोइक रोल करे, तो बट अगेन कैप्टन विक्रम बत्रा एक ही थे, तो उन पर ये कहानी बन गई है। अभी आगे देखते हैं किस पर बनती है। थैंक यू गाइस, चीयर्स। Thank you guys. Thank you all of you. We'll be out of here.